नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज ऑफिशियल और मैं हूं प्रवीण। तमाम कलाकारों को तो हम लोग दिखाते ही आ रहे हैं और भोजपुरी के भी कलाकार और जो कजरी गायिका थी उनको भी हमने दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्लासिकल सिंगर से मिले हुए हैं। दिव्यांश विश्वकर्मा जी बगल में बैठे हैं, उनके चाचा जी हैं और उनके एक मित्र भी हैं जो कि इनसे थोड़ा सा सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्यों भाई साहब? और तबले पर इनके चाचा जी हैं जिनके मार्गदर्शन में दिव्यांश जी एम्यूज की शिक्षा ग्रहण किए हैं और अब तमाम प्रोग्राम भी करते रहते हैं और क्लासिकल सिंगिंग में एक अलग अपनी पहचान बना रहे हैं। मिर्जापुर जिले से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा इनसे, क्योंकि आने वाले समय में भी गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, उसके बाद विश्वकर्मा पूजा है, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा का भी पर्व आने वाला है, तो इन तीनों जो पर्व के एक एक गीत हम लोग इनसे सुनेंगे। फिलहाल चाचा जी से हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अगर परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर परमानंद विश्वकर्मा और जैसा कि मैं पूर्व में भी बताया था, मैं प्रोफेशनल तबला वादक नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशन चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ, चिकित्सा पेशा मेरा है और बस ये शौक के लिए आप तबला वादन बस केवल मैं शौक के लिए करता हूँ और जो भी त्रुटियाँ थोड़ा बहुत हो जाएगी, चूँकि प्रोफेशन है मेरा नहीं तो रेगुलर तबला वादक नहीं हूँ, तो थोड़ा मोड़ा त्रुटि आ सकता है। चलिए, शौक है, फिर साथ ही साथ दिव्यांश जी को मार्गदर्शन भी देते हैं तबला में भी और बाकी जो भी और भी तमाम गीत आते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जो भी सुधार होता है उसको बताने का भी प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम चाहेंगे अगर गणेश चतुर्थी का जो गीत है उसको थोड़ा सा सुनाएं। रिद्ध सिद्ध के साथ पधारो गौरी पुत्र गणेश, कुटुंब सहित सब देव पधारो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। हे रिद्धि सिद्धि लेके आगड़ी राजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगड़ राजा मेरे घर में पधारो। और राम जियाना लखन जियाना, राम संग में सीता जी को लाना मेरे घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगड़ राजा मेरे घर में पधारो। क्लासिकल का एक अलग ही अंदाज है जिसमें लोग रम जाते हैं जी। चलिए, विश्वकर्मा पूजा भी आने वाला है कुछ दिनों बाद जी, आइए एक छोटी से कि मिल के बोलो जयकारा, भगवान विश्वकर्मा की मिलके बोलो जयकारा, भगवान विश्वकर्मा की रूप सबसे है नारा, भगवान विश्वकर्मा की रूप सबसे भगवान विश्वकर्मा के, मिलके बोलो जय तारा।
और कहते हैं क्या, शेष हरि शारदा भी गुणगान करते हैं। विधि विष्णु शंकर भी सदा ध्यान धरते हैं। विधि विष्णु शंकर भी सदा ध्यान धरते हैं। नाम लेता नाम लेता नाम लेता जग सारा, कि नाम लेता जग सारा भगवान विश्वकर्मा के। मिलके बोलो जयकारा भगवान विश्वकर्मा के, मिलके बोलो जयकारा भगवान विश्वकर्मा। क्या बात है, क्लासिकल का जो अंदाज है वो आपने देखा और सुना भी, और क्या बताया जाए कि मतलब इसमें लोग रम जाते हैं और गीत को सुनने में। कुछ दिन बाद जो है कि दुर्गा पूजा भी आने वाला है जी, तो एक भजन हो जाए उस पर भी। आइए, हे 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 la 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 hey 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 ki mili ho tum maya bade naseebon se churaya hai main किस्मत की लकीरों से, कि तेरी मोहब्बत से सांसें मिली, सदा रहना दिल के करीबों के। मिली हो तुम यार बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कैसे, कि तेरे होते क्यों झोली खाली है मां, कि तेरे होते क्यों झोली खाली है मां, तू तो ममता लुटाने वाली है मां, तू तो ममता, तू तो ममता लुटाने वाली है मां। और तेरे होते क्यों झोली खाली है मां, तेरे होते तू तो ममता लुटाने वाली है मां, तू तो ममता लुटाने वाली है मां। कैसे, मेरी आंखों में जली तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं मां तेरे दर्शन के लिए। तेरी ख्वाबों में जले मेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं माँ तेरे दर्शन के लिए। ए माँ, तेरे होते हे माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली, तू तो ममता लुटाने वाली। क्या बात है,
व्यास विश्वकर्मा जी देखिए ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्लासिकल सिंगर हैं, भजन भी गाते हैं और क्लासिकल इवेंट में भी परफॉर्म करते हैं। आने वाले समय में गणेश चतुर्थी भी है, विश्वकर्मा पूजा है, दुर्गा पूजा भी है और जागरण का भी प्रोग्राम होता है जगह जगह, तो उसको भी आप करते हैं। चलिए ये सब तमाम चीज़ें तो हमने आपको बता दिया, इनका शिक्षा भी एमयूज किए हुए, मास्टर डिग्री लिए हुए संगीत में और प्रोग्राम भी करते रहते जी, हैं। जी जी। चलिए तो उसके लिए संपर्क सूत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आगामी भविष्य में जो भी अगर प्लान हो तो अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दिव्यांश जी के और चाचा जी के इस तबला वादन को और दिव्यांश जी के इस गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।